कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के 12वें दिन रविवार की सुबह प्रयागराज में चाय की दुकान पर जमातियों को लेकर हुई कहासुनी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने मुख्य आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने इस घटना के आरोपियों पर NSA लगाने की बात कही। इस वारदात में शामिल दो लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये सुबह में अखबार पढ़ते हुए कुछ आपस में कहासुनी हुई, यहाँ आसपास में 100 मीटर की दूर पे पड़ोस में आसपास में घर है, एक हिंदू पक्ष का घर है और वहीं पास में मुस्लिम पक्ष का घर है, उसी में अखबार पढ़ने के दौरान कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद में सोनू नाम के और अन्य लोगों द्वारा हमला करते हुए लोटन निषाद नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद दो लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी लोगों के लिए टीम की दबिश दी जा रही है और इसमें हम कठोरतम कार्रवाई NSA की कार्रवाई करेंगे। तो सर, ये तकनीकी जमात पर कमेंट करने का जो है मामला सामने आ रहा था, क्या कुछ प्रकाश? हाँ, यही हमारी जानकारी में भी आया कि यहाँ कुछ आपस में टिप्पणी हो गई और चूंकि घर बिल्कुल आसपास हैं तो टिप्पणी आपस में सुननी कहासुनी की बात हो गई और कहासुनी के बाद आसपास पड़ोस में एक दूसरे के साथ झगड़ा हुआ और झगड़े में फिर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को गोली मार दी। सर, इस क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और इस तरह के मामले होते रहते हैं, इस पर सर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी और इसको आगे इसी का कोई घटना होगी इस पर क्या किया जाएगा? नहीं, इस तरह की कोई घटना इस क्षेत्र में प्रकाश में नहीं आई है, ये पहली घटना है मेरी जानकारी में और यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, पुलिस बल की ड्यूटी यहाँ लगाई जा रही है, मजिस्ट्रेट हमारे साथ मौजूद हैं और सभी लोगों से यहाँ संवाद करके माहौल को, वातावरण को अच्छा बनाया जाएगा। प्रेस से भी मैं अपील करूँगा कि अखबार में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी चीज़ें ना चलाएं जिनका कोई आधार ना हो और जिससे माहौल और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा हो। घटना की सूचना मिलते ही SSP समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस मामले में मुख्य आरोपी के साथ ही एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर इलाके में जबरदस्त तनाव है। CM ने मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की है, साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है।